السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم مبارك. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف आप लोग? हाँ الحمد لله. How are you? कैसे है वहाँ का माहौल? हाँ الحمد لله الحمد لله. सब सब कहाँ पर बखैर है. है? कहाँ पर है? कौन से कंट्री में? फिनलैंड में? फिजी में? हाँ मैं अभी फिनलैंड में हूँ. लास्ट रमजान में आया था इंडिया में वापस. फिर रमजान के बाद हाँ फिर वही वापस आ गया माशाल्लाह. जी, माशाल्लाह. पहले तो माशाल्लाह जजाक अल्लाह खैर. आप लोग बगैर कुछ ज्यादा तकलीफ तफसीलात पूछे बगैर ज्वाइन करें आप इस सेशन को. बस कुछ एक एक मसला आ गया था तो मैं समझा आप से शेख से ये क्लैरिफाई करूं कि मतलब हमारी जो मस्जिद है मस्जिद तकवा माशाल्लाह जहां पर मैं काफी रेगुलर नमाज पढ़ता था. और जब मैं लास्ट टाइम दो बार लास्ट टाइम आया था रमजान में और उससे पहले मेरा और मेरे बच्चों का मतलब पूरा रमजान वहीं गुजरा माशाल्लाह बारकल्ला दुरूस का सिलसिला. और शेख शेख साजिद ले रहे थे, शेख अशफाक ले रहे थे, तो माशाल्लाह ये काफी अच्छा था. लेकिन कुछ एक 3 4 दिन से कुछ भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे, काफी भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ एग्जैक्टली मुझे भी डिटेल्स पता नहीं कि कुछ मसला पेश हुआ. और उन दोनों वो किस्से की तफसीलात शायद आप दोनों से ज्यादा जुड़ी है, तो क्योंकि ये मुखलिस भाई है जो इंक्वायरी कर रहे हैं. और मैं सोचा कि ठीक है डायरेक्ट आप दोनों से ही ये पूछना बेहतर है. तो शेख बस मैं मोटे मोटे सवाल बता देता हूँ कि मतलब लोग पूछ क्या है कि मतलब हुआ क्या. वो बता रहे कि कुछ मस्जिद में अल्लाह हिफाज करे कुछ हाथापाई वगैरह हुई या आवाज़ बड़ी, फिर या कुछ एक आध भाई के ऊपर हाथ भी उठाया गया वगैरह वगैरह, ये सारे सवाल चल रहे शेख. तो आपसे मतलब आप पर शम्स भाई पर मतलब काफी सवाल आ रहे कि हुआ क्या. तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा शेख अगर आप लोग कुछ डिटेल्स दे सकते तो ये काफी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए पर्सनली और काफी भाइयों के लिए भी जो इस पर सवाल कर रहे हैं. शेख जजाक अल्लाह खैर. सलाम वालेकुम. वाले ये वाले. पिछले जुमा यानी इस महीने का आखिरी जुमा था और जून की 30वीं तारीख थी. ये कुर्बानी का मौसम चल रहा है और कुर्बानी के दूसरे दिन का जुमा था. इस मुनासबत से मैंने सैयदुना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत को खुतबे का मौजू बनाया. मुझे जो बात पेश करनी थी असल में वो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो खास पैगंबर हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह ने खास तौर पे किया है और उनकी ऐसी हस्ती है कि जो हमारे लिए खास तौर पर काबिल उस्वा है. तो ये बात पेश करनी थी. मैंने इस बात को पेश करते हुए कहा कि अल्लाह के चार बड़े पैगंबर हैं जिनका जिक्र तफसील से कुरान मजीद में आया है डिटेल में, और उन चारों में भी खास तौर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र मुख्तलिफ पहलुओं से कसरत से आया है. इन चारों को उलुल अज़्म कहते हैं, इनके साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर. ये बात मैंने कही है, खुतबा रिकॉर्ड है, आपसे इंशाल्लाह शेयर करेंगे अभी. तो ये बात आई असर की नमाज. मैं पीछे ही पढ़ता हूँ तो पर, लेकिन हमारे नायब जो हैं हाफिज साहब वो गांव गए हुए थे, मैं मस्जिद में था और मेरी बारी इधर ही थी. तो मैंने असर की नमाज पढ़ाई और बैठकर मैं तिलावत करने लग गया. तिलावत कर रहा था मैं, मस्जिद में कुछ ही अफराद थे कि हमारे एक बुजुर्ग हैं डॉक्टर फजलुर रहमान आए. वो बहुत दिनों से नहीं थे यहाँ, बाहर गए थे, मुलाकात हुई, इस्लाम किया. तो कैसे हैं, खैरियत है क्या? कहाँ थे, किधर गए थे? उन्हें बेटी के पास गया था. उसके बाद उन्होंने शुरू किया कि आपने जो खुतबा दिया है इस खुतबे में आपने कहा कि उलुल अज़म चार हैं जबकि पांच हैं. तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो पांच कहा है. नहीं, एक मरतबा आपने ऐसा कहा, फिर बाकी मरतबा आपने चार चार ही कहा. तो मैंने कहा कि चार कहने का मतलब ये कि इन चारों के वाकयात तफसील से जिक्र किए गए. तफसील का जो लफ्ज है वो समझ नहीं पा रहे थे, वो समझ रहे कि तफसीर, तफसीर में इनका आया, ऐसा कुछ उनकी समझ हो रही थी. तो मैंने कहा कि आप समझ रहे, ऐसा दूसरे लोग भी थे मस्जिद में और खुतबा रिकॉर्ड भी है, आप उनसे पूछ सकते हैं. नहीं, आप
ने जो बात कही ना उससे लोगों को गलत पैगाम चला जाएगा और लोग समझेंगे कि चाह रही है। मैं तो कुरान मजीद पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने कहा कि और आप कुरान मजीद का इनकार कर रहे हैं इस तरह की बात। तो मैंने कहा कि मैं कुरान का इनकार नहीं कर रहा हूँ बल्कि आपके समझने का, आप फहम का इनकार कर रहा हूँ, फहम का। तो इस तरह से गुफ्तगू चली और इसी दौरान जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी, मेरी आवाज जरा शेख की ऊंची हुई इस आवाज हवाले से कि आप समझने में गलती की है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप गुस्सा हो जरा, आप उस खुतबा भी गुस्से में देते हैं। मैं अभी कह ही रहा था कि इधर से हमारे रदा भाई आ गए, बैठ गए सामने, उन्होंने सलाम किया, कैसे गैर खैरियत है वगैरह, उनसे गुफ्तगू होने लग गई हमारे डॉक्टर साहब की। फिर आके हमारे अब्दुल रहीम चाचा एक हैं, मारूफ हैं, वो आके ठहर गए सामने। और ये कैफियत देखी कि शेख की बात हो रही है, तो हमारे शम्स भाई भी पिछले सफ में कहीं बैठे थे, वो भी सामने आकर बैठ गए। वो मुतबर ऐसे आके बैठते हैं, तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो खुतबे में शरीक था, शेख ने तो पा कहा है। नहीं, आपको समझने में गलती हुई है, नहीं आप गलत कह रहे हैं, इस तरह की कोई बात कहिए, आपसे तो नहीं पूछा जा रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी था, मैं भी सुना हूं, मैं सुनने की बुनियाद पे कह रहा हूँ और रिकॉर्ड भी है। तो ये बात हो रही थी कि बीच में हमारे रजा भाई ने कहा कि तुम क्यों बोल रहे हो, तुम चुप रहो, खामोश रहो। और हमारे अब्दुलरहीम चाचा भी यही कहते रहे कि तुम चुप रहो जी। तो इस तरह बात हुई। हमारे शम्स भाई ने कहा कि मैं क्यों चुप रहूं, मैं भी एक मुसल्ली हूं और मैंने सुना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं चुप रहना चाहिए। इसी बीच में हमारे अब्दुल रहीम चचा हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, इसने पट्टे पार रखे हैं। तो इस पर मुझे, मैं तो बीच में रोक रहे थे शम्स भाई को, मैंने उनसे कुछ कहा नहीं और मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये बात कही तो मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि तुम किसके पट्टे हो। तो ये बात हुई और बात यहाँ थोड़ी आगे बढ़ी, फिर ठहर गए हम लोग, हमारे एक साथी हम मस्जिद के मुसल्ली सुलेमान भाई, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए ऊपर, मैं उठ गया। उठने के बाद फिर ये हमारे रजा भाई है जो मुझसे कह रहे कि तुमने जो तकरीर की है ना, तो उसमें सिर्फ शिर्क शिर्क की बात की है, कुरान में तो सिर्फ शिर्क नहीं है ना, बिदअत की भी बात है, तुम बिदअत से मुतल्लिक एक हदीस सुना। मैंने कहा हदीस सुना कर क्या करना है, क्या करना है, नहीं बिदअत भी है ना कुरान में। मैंने कहा कि बिदअत ही नहीं है बल्कि जिना है, शराब नोशी की हुरमत है और चोरी की हुरमत है, क्या सारी बातों को एक खुतबे में बयान करना, जिस मौजू पर फोकस करना था उसको बयान किया। यहाँ तक बात हुई, बात खत्म हो गई और मैं आगे बढ़ा, तो हमारे डॉक्टर साहब फिर मिले और कहा कि अरे बात यहाँ तक आ गई। मैंने आगे बढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि एक गुजारिश और आपसे करनी है। मैंने कहा कि क्या है, तो कहा कि आप जब मिंबर पर चढ़ते हैं ना तो आप जरा सलाम करें, माइक में सलाम करें। मैंने कहा मैं तो करता हूँ, नहीं माइक में करेंगे तो सारे लोग सुनेंगे और सबकी तरफ से जवाब मिलेगा तो आपका फायदा होगा। तो ये गुफ्तगू चल रही, तो उन्होंने वीडियो दिखाना चाहा कि ये देखिए ये कुरान मस्जिद में बाहर की है, इसमें किस तरह माइक में सलाम करा। अभी वो दिखा ही रहे थे और शम्स भाई भी आके ठहर के वो भी देख रहे थे कि इधर से हमारे रदा भाई आए और दो लोग थे, या रुमान एक है हमारे साथी वो और शम्स भाई, दोनों को धक्का दिया, रुमान को हटाया और फिर शम्स को कहा चलो चलो दूर हटो। तो अब ये दूर हटो, इस पर एहतजाज किया हमारे शम्स भाई ने और कहा कि आप हमको दूर करने वाले क्यों होते हो, मैं नहीं होता, जो लोग गुफ्तगू कर रहे हैं उनको कोई एतराज नहीं है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है। तो ये बहस इस पर छिड़ी है, गुफ्तगू हुई, वीडियो रिकॉर्ड है मस्जिद के कैमरे से, तो ये मंदिर देखा जा सकता है। तो ये कैफियत थी कि इस बीच में हमारे अयान भाई आए, उन्होंने देखा मंदिर और फिर आगे बढ़कर पूछा शमसे के क्या बात पेश आई, क्या हुआ भाई, तो इधर से तुम कौन, तुम किधर से आए, इस तरह की बात हुई। और फिर दोनों में करीब तक हाथापाई हो जाए और दोनों उलझ जाए, लेकिन लोगों ने हटा दिया बारात। तो इस तरह का किस्सा पेश आया और ये किस्सा पेश आकर बात खत्म हो गई। अब मस्जिद में मीटिंग होने लग गई बाहर के हिस्से में और फला लोगों की शिरकत उसमें हुई। और दूसरे दिन की बात थी कि असर की नमाज के वक्त के बाद मैं खाना खा रहा था, देर से खाया उस दिन, कि मुझे फोन आया हमारे नियमत भाई का जो सदर हैं इस वक्त मस्जिद के कमेटी के लोग बैठे हुए आपको बुला रहे हैं। मैं आया पैदल चलते हुए मस्जिद आयशा के पास से मस्जिद तकवा, तो पता चला कि यहाँ पूरी एक जमात मौजूद है, मरकज से 5 लोग आए हुए हैं और इंक्वायरी हो रही है। तो मुझको बताया गया हमारे नवीद भाई हैं आइडियल वाले, तो
उन्होंने पूछा कि शेख ये तीन चार बातें आपसे करनी है, तो तीन चार बातें करनी है, क्या करनी है? तो आपसे डॉक्टर साहब ने पूछा और बीच में शम्स ने इंटरफेयर करके मामले को खराब कर दिया। मैंने कहा कि शम्स ने इंटरफेयर नहीं किया है, शम्स तो सिर्फ एक तायद की तौर पर एक बात कह रहे थे, असल मामले को खराब करने वाले ये रदा हैं जो बैठे हुए। तो ये बात हुई और फिर कुछ बात हुई कि हमारे मुनीब भाई है, उन्होंने कुछ बात की और कहा कि देखिए यहाँ से मामला खराब हुआ। वीडियो दिखाया उन्होंने, तो सिर्फ यहाँ का वीडियो, यहाँ से वीडियो क्यों दिखा रहे, उससे पहले या उसके बाद ये वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे, ये बहस वहां शुरू हो गई। तो हमारे मुनीब भाई ने कहा कि इससे पहले भी हमारे नवीद भाई को हमने ये बात कही थी कि दो लोग हैं जो मस्जिद में इतना अंगेजी करते हैं, उनको तंबीह की जाए, तो तंबीह नहीं हुई, शायद इस तरह की बात हो ही रही थी कि पीछे से एक नौजवान है जिसको हमारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी तफसील है हमारे पास, कि बाकायदा बता कर लाया गया था कि अगर कोई बोले ज्यादा तो उसको उठा देना, तो वो पीछे से बोल रहा था। तो अरे इब्राहिम भाई की उसी वक्त इंट्री हुई है, बैठे हैं वो देख रहे हैं, मैंने देखा तो मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ नहीं हो, लेकिन बड़ा इब्राहिम भाई ने उस नौजवान से कहा कि बड़े लोग बात कर रहे हैं तुम खामोश रहो ना। तो अब उसने कुछ इशारा किया, उन्होंने कुछ इशारा किया, इधर पीछे एक कुर्सी पर हमारे शमीम भाई बैठे थे, उसने इब्राहिम तुम चुप रहो, तो इब्राहिम ने कहा कि मैं क्या चुप रहूं, सारा फसाद तो आप ही की तरफ से है। इतनी सी बात कहनी थी कि हमारे पलवान साहब उठ खड़े हुए, उधर से वो भी उठ खड़े हुए, दोनों में यकजाई हुई है, सीना एक दूसरे को लगाया और फिर सारे लोग टूट पड़े हमारे इब्राहिम भाई पर, और फिर वो बात के मनाजिर पेश आए जो वीडियो में देख सकते हैं। मतलब ये हाथापाई हुई, कई लोगों ने मारा, इब्राहिम भाई ने भी एक नौजवान को बदले के तौर पर और जवाबी तौर पर मारा है। तो ये तफसील है, बात यहाँ खत्म हो गई कि मरकज के लोगों ने कहा कि ठीक है हमने देख लिया, हमने सुन लिया है। अब पैगाम आया सैयद आसिफ उमरी साहब का कि हम दो दिन में या दो दिन के बाद फैसला करेंगे और दोनों तरफ के लोगों को वहां बुलाया जाएगा और दोनों तरफ की गवाहियां ली जाएंगी और फिर उसके बाद मरकज कोई फैसला करेगा। तो ये बात है और ये तफसील है, और इतनी सी तफसील है, ये जरा सी बात थी जिसको बहुत बढ़ाया गया और कुछ खास मकासद के तहत अल्लाह जिनको जानता है मीटिंग की गई और मामले को खराब करने की कोशिश की, और मीटिंग के मंदर से ये बात समझ में आ रही थी कि सारे लोग पहले से मुब्तला हैं और उनको पता है कि इसमें जमा होना है और किनको और किनको जमा होना है। सारे ऐसे ही लोग थे कि जिनकी बोलियों से ये पता चल रहा था कि पहले से इनके दिल में और इनके जहन में कुछ है, कुछ उल्टी सीधी बातें हो रही थी। इनकी तफसील बयान करने की जरूरत नहीं है, क्या बात है, इंशाल्लाह जरूरत पड़ेगी तो फिर इस पर गुफ्तगू होगी, लेकिन मुख्तसर खाका मसले का यही है जो मैंने आपके सामने रखा है। मजीद हमारे शम्स भाई भी शरीक के महफिल रहे और उनका भी नाम आ रहा है, तो उनसे भी इस सिलसिले में कुछ बातें आप पूछ सकते हैं। मेरे सामने तो ये बात मेरे जहन में है और ये जो बातें मैंने कही है ना वो सब वीडियो में महफूज है, अगर कमेटी के लोग इसको अलग कर ले देख ले, उन्होंने देखा होगा और वो इंशाल्लाह बात कर रहे हैं, वो फैसला करेंगे। लेकिन एक आपने सवाल किया और पूछा है तो मैंने आपके सामने बात रख दी है, और इसलिए भी रखी है कि अगर जरूरत पड़े तो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही है तो गलत फहमियों को दूर करने के लिए ये बातें काम आए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह खैर शेख जी। जैसा आपने बताया शेख, मतलब ये ऐसा कुछ बड़ा मसला लग नहीं रहा है शेख, मतलब आए एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, आपने कुछ कहा, सामने वाले ने नहीं समझा और बस गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन ज्यादा ऐसा लग रहा कि शेख ये गुफ्तगू के बाहर के लोग की वजह से शायद कुछ मसले आगे बढ़ गए जो गैर जरूरी लग रहे हैं शेख। जो दूसरे दिन हुई है वो पहले दिन जो पेश आया उसमें किन का क्या किरदार है वो तो देखने वाले देख सकते हैं, और उसमें साफ तौर पर कि एक आदमी बात कर रहा है तो आपको जबरदस्ती करने का हक किसने दिया है? जैसे आप बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, वैसे वही पूछ सकता है। खुशी तो वो बात अगर ऐसी है कि इसमें तायद की जरूरत है कि मैंने सुनी है, मैंने ये बात कही गई है, इतनी सी बात है, तो इसमें गड़बड़ करने और तुम चुप रहो तुम आलिम हो क्या, इस तरह के सवाल करने की जरूरत नहीं थी। और फिर सारा मामला खत्म हो गया था, फिर हम ठहर कर गुफ्तगू कर रहे थे, तो वहां आकर फिर धक्का देना चलो बाहर निकलो, इस तरह का हक किसी को किसी ने क्यों दिया है? किसी को भी अगर इस तरह का सलूक का सामना करना पड़े ना तो उसको गुस्सा आएगा। तो ये बात है,
तो इससे पता चलता है कि थोड़ा मामला ठीक ठाक नहीं है, और छोटी सी बात को बड़ी बनाकर पेश करने की कोशिश और बड़ी बनाकर उलझाने की बात हो रही है। जी जी शेख, सही है शेख। मतलब कुछ सवाल आते हैं लेकिन हम उस पर अभी नहीं जाएंगे शेख। जैसा कि आपने बताया शेख, एक तो मसला ये बहुत सीधा सीधा छोटा मोटा मसला है, लेकिन ये पहला नहीं है शेख। क्योंकि मैं जब इंडिया में था, या मैं बीच में एक दो बार आया था शेख, लास्ट अक्टूबर में, फिर मार्च में, मतलब ये कई दफा ऐसी चीजें सुने आ रही है शेख जो शायद कभी नहीं होती थी। तो वो हम आम मुसल्ली के लिए काफी डिस्टर्बिंग है शेख। लेकिन मेरा एक सवाल शम्स भाई से था शेख, क्योंकि ये भी मेरे इल्म में आया शेख के कुछ शम्स भाई भी बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे। मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ शेख जो मुझे सुने आया, और ये हाँ, क्लैरिफिकेशन शम्स भाई सिर्फ से चाहिए। जो बात आई है वो तो मैंने आपके सामने रखी है, मजीद शम्स भाई से वो भी रखेंगे अपनी बात। जी, शम्स भाई, तो ये एक सवाल बिल्कुल आपका नाम आया बीच में, मतलब जो भी उड़ती उड़ती बात समझिए उसको, कि जब शेख बात कर रहे थे तो आप शेख को बात करने दे नहीं रहे थे, और शेख को रोक के आप बड़ी आवाज में बात करें वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी कुछ बातें आई। तो आप कुछ तफसीलात बताएंगे कि हुआ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। अब्राहिम भाई, ये अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह का फजल है कि जो मैंने बातें की वो जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड हो चुकी हैं। असल में मैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ है, मैंने एक कॉल किया था उस वक्त, और वो कॉल सामने वाले ने डिस्कनेक्ट नहीं किया और मैं यहाँ कॉन्वर्सेशन में उलझ गया। तो तकरीबन 5 मिनट्स का वो जो पूरा कॉन्वर्सेशन है वो रिकॉर्डेड है, मैंने आपको सेंड किया हुआ है। अभी वो बात मैंने आपको सेंड की हुई है, अच्छा, आप अभी देख सेंड सकते हैं। किया आपने? ओके, और मैं चाहूंगा कि आप उसको प्ले करें यहाँ पे। असल में मसला क्या हुआ कि मैंने देखा कि, और मैं उमूमन ऐसा करता हूँ, दर्स होता है शेख का या कुछ नमाज होती है, तो कुछ मसाइल रहते हैं, जाके शेख से दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं, और शेख से कुछ पूछते हैं, या कुछ चीज का इख्तलाफ होता है तो शेख से बोलते हैं, यहाँ कुछ चीज समझ में नहीं आई शेख, आपने ऐसा बोल दिया, तो ये क्या मामला था इसका। तो इस तरह से अब मैंने देखा कि वो चाचा बैठे हैं और वो रजा भाई वो उनके पीछे बैठे हैं, तो ये है। तो मैं भी, और मस्जिद में तकरीबन मुसल्ली जा चुके थे, मस्जिद यानी खाली हो चुकी थी, मैं असकार करते हुए बैठा हुआ था पीछे, और उसके बाद तो मैंने बोला ठीक है, जाकर मैं भी ज्वाइन हो जाता हूँ, किसी का कुछ मसला रहता है तो शेख कुछ बोलते तो हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाता है उस वजह से, तो है ना, किसी और का सवाल होता है तो हमारे इल्म में भी इजाफा होता है। तो मैंने, जब मैं वहां जाके बैठा, मैंने डायरेक्टली गुफ्तगू शुरू नहीं की, और इट वॉज नॉट अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के मतलब दो लोग हैं और तीसरा इंटरफियर कर रहा, इस तरह मामला नहीं था। और मैं, क्योंकि शेख को अगर कोई प्राइवेट मसला होता है तो शेख को लोग पीछे लेके जाते हैं, पीछे चेयर पे या किसी कोने में शेख को लेकर जाते हैं, और वहां जो है वहां जाके बैठते हैं और पर्सनली पूछते हैं, तो उस वक्त जो है शेख से कोई जाके बात नहीं करते हैं, कुछ कुछ तो पूछना, तो कॉन्वर्सेशन के बीच में इजाजत लेता है शेख, क्या मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। अब ये जो मसला पेश आया, तो मतलब इट वॉज अ पब्लिक थिंग, मतलब शेख अपने जहाँ पर नमाज पढ़ाते हैं मुसल्ले पे वहीं बैठे हुए थे। अब मैं अपने तरफ से जो है आगे जाकर बैठा, जैसे कि दूसरे स्टूडेंट्स या दूसरे जो शेख से कुछ सवाल मसाइल रहते हैं तो वो जाके बैठ जाते, तो मैं भी वहां जाकर बैठ गया। और जब मैं वहां जाके बैठा तो मैंने देखा कि हमारे जो डॉक्टर साहब हैं अंकल वो, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि मेरे उनसे बुरे एक ताल्लुक आते हैं पहले से, और मतलब मैं उनसे कुछ चिढ़ता हूँ या इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी सलाम दुआ है उनके साथ, और दूसरे जो भी लोग हैं उनके साथ भी मेरी अच्छी अच्छी सलाम दुआ है, और मस्जिद के रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं और पूछ सकते हैं मेरे किस तरह के ताल्लुकात हैं मुसल्लियों से, ना मेरा नाम कभी इस तरह से मस्जिद में लोगों को डांटने फटकारने में या जो है चिल्लाने में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजल से मेरा, मैं लोगों से इतना ज्यादा कनेक्शन नहीं रखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मतलब बस मेरा मिजाज वैसा नहीं है कि बस बस लोगों से आए कुछ चंद बोल बोल दिए और अपना चले गए, और लोगों से अच्छे से हंस के मिलता हूँ, सलाम दुआ मेरी रहती है सबसे, ऑलमोस्ट सबसे, सब मुसल्ली मुझे पहचानते हैं, मैं बहुत पुराना मुसल्ली हूँ वहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी पुराने लोग रहेंगे, लेकिन बोलने का मकसद ये है कि लोगों के दरमियान मेरी शख्सियत वैसी नहीं है कि किसी को मैं गुंडागिरी कर रहा हूँ या दादागिरी कर रहा हूँ या झगड़ा फसाद कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी से अच्छे ताल्लुकात हैं मेरे मस्जिद में, ऑलमोस्ट विद एवरीवन। तो मतलब मैं इसीलिए ये सब बोलना बोलना ये इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अगर कोई क्योंकि इस तरह का नाम आया और इस तरह मेरे सामने किसी ने मुझे ये बात बताया कि तुम असल में फितने की जड़ हो,
जब ये मामला पेश आया, जब दूसरे दिन गर्मा गर्मी हुई वो मीटिंग के बाद, या वो मीटिंग खत्म होने जब तब तक लोग डिस्पर्स हो रहे थे, तो किसी ने बोला तुम असल में फितने की जड़ हो। तो ये बात उन्होंने मेरे सामने की तो मैंने सुनी। इसके अलावा पता नहीं और कितने लोगों को क्या क्या बातें बयान की गई मेरे बारे में कि शम्स ने बदतमीजी की या बुजुर्ग का लिहाज नहीं रखा और जाके यानी इस तरह से बात की। इसलिए मैं ये सब जस्टिफिकेशन और तफसीलात के साथ ये मामला बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह और डॉक्टर अंकल के साथ भी मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, अच्छे इन द सेंस सलाम दुआ के हद तक मस्जिद में। तो वो जब जाकर बैठे तो मैंने देखा कि वो शेख से पूछ रहे थे कुछ चीजें के बारे में कि आपने ये कहा, और मैं समझ में गया कि जुमा खुतबा के तालुक से। तो मैंने कहा कि नहीं अंकल ऐसा नहीं है, शेख ने 5 ही कहा है। तो बोले नहीं बेटा, ऐसे करके उन्होंने जिक्र के मैं चाहूंगा कि आप वो जरा प्ले कर दें। अच्छा ये बात मैं आपको यानी नोट कराऊंगा कि अल्लाह के फजल से जो रिकॉर्ड हो गया है वो 5 मिनट्स का जो ड्यूरेशन, शेख और वो पहले से ही बैठे थे, यानी शेख बैठे थे वहां पे, वो डॉक्टर साहब बैठे थे अंकल, और हमारे रजा भाई बैठे हुए थे वहां पे। तो इट वॉज नॉट दैट कि जब मैंने वो जो रिकॉर्डिंग आई जब से बात शुरू हुई, ऐसी बात नहीं है, बात जो है इन लोग की पहले से ही चल रही है। तो बोलने का मतलब है कि शेख परहैप्स ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन देते होंगे और उसके बाद में आया और तब से वो बात शुरू है। तो आप, मैं चाहूंगा कि एक बार वो ऑडियो रिकॉर्ड आप प्ले कर दें ताकि जो हमारे साथी हैं जो यानी एक्सप्लेनेशन इस ताल्लुक से तलब करना चाह रहे हैं वो लोग को भी वाजे तौर पर समझ आ जाए मामला। शम्स भाई आपने कुछ ऑडियो सेंड किया क्या मुझे? अगर आप भेज दे तो। हाँ मैंने आपको भेजा है ना, आप एक बार चेक कर ले तो। हाँ ठीक है, ये आप बता रहे कॉल रिकॉर्डिंग वाला जो आपने एक भाई को कॉल किया था? जी 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 ओके ठीक है। अच्छा एक मिनट अब्दुर्रहीम भाई जी, मैंने आपको एक वो खुतबे का भी लिंक सेंड किया है, शेख साजिद के खुतबे का, वो भी अगर आप प्ले कर देंगे ना तो पूरा लोगों को कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा कि क्या मामला है। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली शम्स, मेरा भी सजेशन। हाँ हाँ वो पहले प्ले कर देंगे ना तो लोगों को पूरा पिक्चर है ना इसमें सीक्वेंस में समझ आ जाएगा। जी शम्स, जज़ाकअल्लाह खैर। अभी आप जो लिंक सेंड किए मैं उसको प्ले करूंगा इंशाल्लाह। देखिए आप 3.5 मिनट से शुरू कीजिए उसको। ओके ओके ठीक है जी, ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह के उन 4 बड़े पैगंबरों में से हैं कि जिनका जिक्र कुरान मजीद में कसरत से आया है, और उलमा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करते हुए 4 और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर 5, इनको उल अज़्म पैगंबर कहा है, यानी खास हिम्मत और सलाहियत के मालिक अंबिया। 4 पैगंबर जिनका जिक्र कसरत से आया है उनमें पहले नंबर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, दूसरे नंबर पर जी ओके ठीक जी। तो जी। इसमें तो बहुत मतलब जो मुझे समझ आया इसमें वाज़े तौर से शेख ने बताया कि 4 अंबिया का जिक्र है जो मतलब कसरत से आया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलाकर उलमा कहते हैं कि मतलब ये 5 है उलुल अज़्म। तो मतलब ये तो बहुत वाज़े है, जो मेरे पास बात आई थी उसमें ऐसा बताया गया था कि शेख ने मतलब कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी और कुछ कुरान की आयत का इनकार वगैरह कर रखा है। ये तो मतलब सुनते वक्त ही ठीक नहीं लग रहा था, और उन्होंने कहा कि उसकी तफसीली गलत बता दी वगैरह, बल्कि मतलब ये अगर मेरा मानना ये है कि अगर ठीक है आपको ऐसा लग रहा है कि शेख ने कुछ गलती की, इंसान है बशर है बिल्कुल, मतलब आप उनके साथ बैठे और तफसीलात ले, और हो सकता है कि अगर वाकई गलती हो तो आप सजेशन दे के देखिए शेख ये गलती हुई, ये उसकी उसका प्रूफ है, आप अगले जुमा के दिन जैसा भी मौका मिला आप इसको करेक्ट कर ले, इससे मतलब
सबके सामने बता दे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पर। बात इतनी आगे बढ़ गई तो, और जैसा आपने बताया शम्स के, मतलब मुझे पता चला था कि आप भी आकर मतलब बदकलामी करें, क्योंकि मैं आपको काफी सालों से जानता हूँ, ये खुद भी बात मुझे मतलब ये तो काबिले बर्दाश्त ही नहीं थी। मतलब आप जैसा बता रहे कि अगर शेख से मतलब जो गुफ्तगू वगैरह वहाँ ग्रुप में चल रही थी, तब आप आगे आए और आप डिफेंस में आए कि नहीं, देखिए जो आप बात कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि मैं भी मतलब वो तो मैं तो विटनेस था, तो अगर शायद आपकी जगह मैं रहता हूँ तो बिल्कुल मैं भी यही बोलता कि भाई मैं खुद सुना खुतबा, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, और वो डॉक्टर साहब या अंकल की जिम्मेदारी थी कि वो वापस जाए और खुतबा सुने, ना कि वो के मतलब एक बस दलील के तौर पर बात करे। तो वो जो मैंने जैसे बताया ना कि वो रिकॉर्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हो गई, तो वो आप खाली अगर प्ले कर देंगे हमारे ऑडियंस के लिए, मैंने आपको भेजा है, तो आप उसको अगर प्ले कर देंगे तो आपको जो है तफसीलात मालूम पड़ जाएगी कि किस तरह ये कॉन्वर्सेशन रुख लिया इस कॉन्वर्सेशन ने, और किस तरह जो है बात आगे बढ़ी, और किस तरह जो है चिल्लम चिल्ली का माहौल क्रिएट हो गया। अच्छा ऑडियो बता रहे हैं? जी 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 आपको मैंने सेंड किया हुआ है, आप एक बार उसको प्ले कर दीजिए ना। अच्छा मुझे पर्सनल में सेंड करें आप, अगर नहीं तो पर्सनल में कर दीजिए, एक बार मैं भी चेक कर लूंगा, क्योंकि ये मैसेज काफी हो गए। तो जी जी असल में वो आप कॉन्वर्सेशन आप प्ले करेंगे ना, अब तक देखिए सिंक हुआ है नहीं, तो आपको यानी समझ आ जाएगा कि किस तरह वो मामला रेज हुआ। यानी बिल्कुल भी मैं यानी उसमें स्टार्टिंग से ये बात नहीं कर, मैं अच्छे से ही बात कर रहा हूँ जाके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे और जो है अंकिल के डॉक्टर साहब के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं मस्जिद में सलाम दुआ वगैरह, आप उसको जरा प्ले कीजिए। जी हाँ अभी प्ले कर रहा हूँ बस। हेलो हेलो आप बताइए, आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ रही है। हेलो नहीं दो बोले ना, चार है पांचवा भी है, एक वक्त बोले है रिपीटेडली, चार वक्त बोले रिपीटेडली, चार वक्त बता रहा मुझे, पांच बता रहा, पांच का जिक्र करना। हाँ तो शेख ने पांच बोले ना, पांच अंबिया बोले ना, एक नहीं बोले, एक वक्त बोल के बाद में चार चार का जिक्र करें। हाँ नहीं मैं भी था ना खुतबे में, नहीं नहीं रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग बताओ, रिकॉर्डिंग है ना मस्जिद में, रिकॉर्डिंग ऑफिस में पूछे, रिपीटेडली चार का करना बेटा, रिपीटेडली ये वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, नहीं नहीं समझे, नहीं 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 बोलना, आप नहीं करें जिक्र, चार का नंबर क्या हुआ, देखिए नंबर चार पाँच का आपको समझाया का जिक्र आया तस्वीर के साथ, नहीं घुमराई घुमराई की क्या बात है, चार का जिक्र करें, नहीं तो पांच चार कैसा आता है, और करंट नबी ना, और करंट नबी ना, ये भी तो आलिम नहीं है ना, नहीं नहीं अंकल भी तो आलिम नहीं ना, चेक बोल रहे ना, मैंने कहा इसका लिया वेलकम बोला आलिम, मैं कुरान पढ़ा जो बता रहा हूँ, ये मुझे पूछ रहे हैं कि आप आलिम है, मैं भी था ना खुतबे में, आप क्यों था? अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि एक को जिम्मेदारी थी खुतबा देने के लिए, आप मेरे को बीच में आके बोल रहे हैं, चार का जिक्र करे भाई भी था, अरे तो करंट छोड़ के पिछले चार इसमें इशू क्या है?
तो शेख का इनकार कर रहे हैं ना, इनका चार पता है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे जेब में, मेरे जेब में 500 रुपए है, मैं बोलूं मेरे पास 400 है, तो 100 का इनकार थोड़ी हो रहा है। कौन बोले आपको क्या, मुझे क्या मालूम कि आपके पास 500 है और 400 के। लेकिन नहीं नहीं बोलेगा ना, आप देखिए भाई, आपको ईमान है, आप जो बोले लोग सुनते हैं। अब बात के पास इल्म नहीं है, खामोश सुनता चले जाता। यह अक्सरियत ऐसे लोगों की है जिसको मालूम नहीं है कुरान, कुरान पढ़ते हैं बैठ के, यहाँ कोई यहाँ पर कोई हमारे यहाँ के मुसलमानों की बात नहीं। प्रॉब्लम के अंकल, ये आपके आपके समझ के बुनियाद पे ऐसा है कि गलत है, लेकिन वैसा नहीं है मामला। शेख ने उसका इनकार कर दिया। हाँ तो चार का जिक्र किया, इसका मतलब 5 का इनकार थोड़ी है। अरे बात हो गई ना, सुन के बोल रहा हूँ ना मैं। चलिए कोई बात ही नहीं है, कोई बात ही है ही नहीं। नहीं क्या, काय को बात नहीं करेंगे, आप आके इधर बात करेंगे, हम लोग खामोश बैठना। नहीं नहीं बात करनी, आप खाली आपको है क्या इधर, एक मिनट भाई, एक मिनट। नहीं नहीं क्या वो जी जी सुभान अल्लाह जी, मुझे मतलब जो समझ आए यहाँ पर, कुछ डिस्कशन नॉर्मल चल रहा। अंकल तो स्टार्टिंग में बहुत क्लियर बता रहे थे कि मतलब शेख ने वो 4 का जिक्र किया, फिर उसके बाद कोई और दूसरे पर्सन भी आके वही बात की तायद कर रहे कि आपने 4 का जिक्र किया, लेकिन आपने क्लारिफिकेशन दे दिया कि भाई पहले 5 का जिक्र किया फिर 4 की बात हुई, और आपने मिसाल देके समझा भी कि वो तो बस एक मतलब 4 का जिक्र हुआ, पहले तो 5 क्लियर कर दिए। उसी दौरान एक भाई ने कहा कि मतलब शायद वो पता नहीं थी कि 2-3 लोग थे वहां पर, उन्होंने कहा कि शेख ने तो कुरान का इनकार ही कर दिया, फिर आप क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है, तो लाजिम बात है मैं खुद भी ये चीज का डिफेंस करूंगा अगर मैं आपकी जगह, तो आप उसका डिफेंस कर रहे हैं इसके बावजूद, तो पीछे से किसी भाई ने आपको कहा कि खामोश बैठो, मतलब थोड़ी आवाज यहाँ पर बढ़ गई, फिर आपने तो और एक बात मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरी आवाज ज्यादा आई है, जैसे ब्लूटूथ मेरे कान में लगा हुआ है ना, तो इसलिए मेरी आवाज लाउडली सुनाई दे रही है, और दूसरों की आवाज मेरे तक पहुंचने तो इसलिए मेरी आवाज ही लाउड है उसमें। हाँ नहीं ये तो क्लियर है, क्योंकि मैसेज जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खामोश बैठो ये 2-3 बार हुआ, और उसके बाद ही मतलब आप तो नॉर्मल टोन में थे, उसके बाद कि आपकी आवाज बड़ी, जो मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये लोग रुक ही नहीं रहे। फिर उसके बाद आपको जब समझ आ गया कि थोड़ा मसला गर्म हो रहा, तो मैंने लिखा एक जगह आप चीज को खामोश बिठा रहे, मतलब आप पूरे आपने देख लिया कि चलो कोई हो गया ना चुप बैठ जाओ, लेकिन फिर आपको बोला गया कि भाई तुम चुप बैठो, तुम खामोश बैठो, तो ये तो मतलब बिल्कुल ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मतलब एक तो शेख पर इल्जामात पे इल्जामात लग रहे हैं, फिर उसके बाद जब आप डिफेंस करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप पर शायद आवाज बड़ी कर दी गई, फिर उसके बाद मेरे हिसाब से यहाँ पर फाइनली आप ही ने यहाँ पर ये मसले को खत्म किया, क्योंकि मैं सुना कि लास्ट में बिल्कुल एक 10 सेकंड पहले आप फिर कोशिश कर रहे थे कि आवाज मतलब कम हो जाए, भाई ठीक है चलो मसला तो खत्म हो गया। तो अगर यहाँ पर ऐसा मसला है कि ये बात अगर हो गई थी, मतलब जितना क्लियर समझ में आ रहा कि एक दो लोग को कन्फ्यूजन था, और वो डॉक्टर साहब के अलावा पता नहीं वो जो भी भाई है, क्योंकि उनका तो बिल्कुल ही गैर जरूरी मुदाखलत है, क्योंकि डॉक्टर साहब की आवाज़ उतनी नहीं है जितनी वो भाई की थी, अल्लाह हिदायत दे, पता नहीं कौन है। तो अगर ये बात यहाँ तक खत्म हो गई थी और आप कह रहे हैं कि मतलब चलिए भाई तखलिया यहाँ से, तो फिर मसला हुआ क्या, कहाँ तक क्यों गया ये बात? ये वही है, उन्होंने फिर जब इस तरह से शुरू किया, ऑलरेडी मुझे खामोश खामोश कर ही रहे थे वो स्टार्टिंग में, लेकिन मैं यानी अब मसला ये है कि यानी अभी और इसमें दरमियान में ये भी पूछा गया कि आलिम है क्या खामोश बैठो। अब यहाँ पे आलिम और गैर आलिम की बात नहीं, यहाँ पे शहादत की बात है कि मैंने सुना शेख ने 5 बोला है, तो मैं वो बात रख रहा हूँ सामने, तो इसमें आलिम और गैर आलिम की क्या बात है।
तो बहरहाल इंसान आर्ग्यूमेंट में कुछ यानी इस तरह की बातें यूज कर लेते सामने सामने, मैं ये अंकल तो अंकल थोड़ी आलिम है, तो वो पलट के मुझे बोल रहे थे मैंने कब कहा कि मैं आलिम हूँ, तो मैंने कहा नहीं नहीं आपको आप नहीं बोल रहे, ये मुझे पूछ रहे कि आप आलिम है, उसके जवाब में मैं बोल रहा हूँ कि आप भी थोड़ी आलिम है जो आप जो यानी पूछ रहे, जैसे आपको बात करने का हक है मेरे को भी बात करने का हक है। यानी वो लोग एक एलिगेशन ले कर रहे थे, और ऑफकोर्स मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से बदतमीजी थी अगर बोला बोला जा रहा है कि शेख कुरान का इनकार करे, लेकिन अंकल हैं और बड़े मियाँ, ऑफकोर्स हम ये अच्छा गुमान रखते हैं कि वो डिडंट मीन के यू नो, क्योंकि एक मुसलमान के लिए किसी को कह देना कि आप कुरान का इनकार कर रहे हैं तो दिस इन इटसेल्फ इज यानी आप काफिर हैं, ये बात हुई ना, आप काफिर है क्या, कुरान का इनकार कर रहे हैं आप काफिर है क्या, ये मामला है। लेकिन हम यानी वो यानी वैसा गुमान नहीं रख रहे अंकल के बारे में कि अंकल ऐसा बोल रहे हैं शेख को कि आप काफिर है क्या, यानी अंकल आप यानी शायद वो कर रहे हैं शेख को ये कर रहे हैं कि भाई आप कुरान का इनकार कर रहे हैं क्या, ऐसी बात है वो, बहरहाल अपने पर्सपेक्टिव से बात थी। तो तभी भी मैंने अपनी वॉइस रेज नहीं की, यानी यही एक यानी किसी के लिए बड़ी बात है, आप कैसी बात कर रहे हैं अंकल, ये यानी शेख को आप कुरान का मुनकर बोल रहे हैं आप, यानी ऑफकोर्स शेख तो दूर की बात है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि अच्छा इस बुनियाद पर ये भी इल्जाम लगा जाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा वही ऑडियो में कि यानी पट्टे पाल के रखे हैं। अब इसमें आप बताइए कि शेख है या मिसाल के तौर पे आप ही है, ले लीजिए कोई आपसे इस तरह की बात कर रहा है और मैं आपके डिफेंस में बोल रहा हूँ नहीं भाई अब्दुर्रहीम भाई ने ये नहीं बोला ये बोला, ऐसा नहीं बोले मेरे भाई ये बोला, और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग से मेरा अंदाज कोई लड़ने वाला और झगड़ने वाला नहीं है, क्या रे शेख को क्यों बोलते हैं इस तरह की मामला, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। और बीच में मैंने बोला कि क्या मैं बोल रहा था, मेरे जहन से निकल जा रहा है, तो जी ये बात है। तो यानी शेख की जगह कोई भी इंसान है या कोई भी हमारा मुसलमान भाई है उसको हम डिफेंड करेंगे ना भाई, जहाँ वो गलत नहीं है और हमारे सामने की बात है, हम उस चीज के गवाह हैं, तो हम वो थोड़ी बोलेंगे हाँ भाई खामोश बैठे हैं इनको, क्योंकि वहां पे विटनेस चाहिए थे और भी मुसल्ली थे, और यानी एक बात सेम बात बार बार दोहराई जा रही है। तो अब सोचिए शेख भी कितने इरिटेट हो गए रहेंगे ऑलरेडी, और जब मैं देखा वो लोग ऑलरेडी मतलब स्टार्टिंग में जब मैं जैसे बताया आपको जब मैं वहां पहुंचा ऑलरेडी बातचीत चालू ही थी। जी जी सही जी जी तो ये है, तो अभी आप भी बैठे रहेंगे तो ना कोई और भी बैठा रहेगा तो हम तो बोलेंगे ना भाई हमारे दोस्त ने ऐसी बात नहीं की, ये ऐसी बात की, बात ऐसी है, अब वो खामोश बैठो। और इस तरह का जो मामला बार बार पेश आया, और जब मैं मामला ये गर्म भी हुआ था बीच में, फिर मैं बोला ठीक है अभी चलिए मसला हो गया ना खली वली, अब मैंने आपका एक अभी नहीं वो कंटिन्यूसली यानी उस तरह से बोले जा रहे थे, तो मैंने उसके डिफेंस में उसके जवाब में मैंने ये बोला कि क्यों, तो इस तरह की बात है। और उसके बाद हम वहीं बैठे थे और फिर वो शेख ने तफसीलात बयान किए पहले वीडियो में कि फिर सब खड़े हो गए, उनको बोला गया कि शेख आप चले जाइए घर पे चले जाइए, शेख खड़े हो गए। अब इस बीच में क्या हुआ, लोग आके मुझे पकड़ रहे, जब वॉइस रेज हुई ना लोग आके मुझे पकड़ रहे हैं और मुझे रोक रहे हैं एज दो मैं ही हूँ जो वहां पर बैठ के फितना बरपा कर रहा हूँ और मैं जो लड़ रहा हूँ। अभी आपने मुझे देखा है, आप मेरी पर्सनालिटी जानते हैं आप, मतलब मैं कोई ऐसा पर्सनालिटी का आदमी लगता हूं कि जो मतलब उन पे चढ़ के और उनको झगड़ा करूंगा या शेख को हार्म करूंगा या किसी को मेरे तरफ से क्या हार्म है, चलो किसी को हार्म भी है और जो शख्स जो बात कर रहे हैं वहां पे और माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अल्लाह ने उनको अच्छी फिजिक दी हुई है, उनकी बॉडी है यानी सीमिंगली गोस टू द जिम और मतलब ही इज यानी ब्रॉड और वगैरह इस तरह से मामला है, मैं उनको अगर हार्म करने भी जाऊंगा तो isn't he sufficient all alone अपने आप को डिफेंड करने के लिए, are you understanding? Correct. तो ideally लोगों को क्या करना चाहिए था, जो ज्यादा ताकतवर है उसको खामोश कराए, और he has been loud जैसे सुनाई दे रहा है, he is telling खामोश बैठो और इस तरह के अल्फाज लोगों को चाहिए था उनको बैठो। अब वो शमीम पहलवान है हमारे मस्जिद के पुराने मुसल्ली हैं, लोग वाकिफ हैं उनसे, तो वो मुझे बोल रहे शम्स अच्छे तरीके से लेकिन यूजिंग फोर्स यानी मुझे उठा रहे हैं, शम्स उठो यहाँ से चलो। अब मैं बोलो कि मैं क्यों उठूँ, वाई शुड आई गेट अप, मैं अपनी जगह पर बैठा हूँ ना, मतलब उनको ले जाइए जो मतलब शेख को बोले छोड़ो, क्या बोला गया जाने तो छोड़ो बाद में पूछ लेना शेख, तो छोड़ो ना खली वली नॉट अ बिग डील। सही तो ये अब मुझे साइड में लेके गए फिर थिंग्स गॉट नॉर्मल, ओके एवरीथिंग गॉट नॉर्मल। और उसके बाद जो हुआ मैं आपको कुछ कमेंट करना है क्योंकि मैं अभी थोड़ा इजाजत चाहूंगा, यहाँ पे नमाज का वक्त हो गया है, इंशाल्लाह वी कैन कनेक्ट बैक। यहाँ पर चाहिए था कि लोग जो बड़ी आवाज कर रहे हैं उनको खामोश बिठाया जाए क्योंकि फसाद शुरू वहां से हुआ, और अल्लाह बेहतर जानते, जितना मैं आपको पहचानता हूँ जानता हूँ, मैं नहीं समझता कि आप फसाद शुरू करने वाले हो या फसाद आगे ले जाने वाले, मतलब ऐसा तो नहीं है, पहले भी मसले मसाइल हुए और आप काफी मुसालेहत में आगे बढ़ते,
तो ये शायद अगर ये लोग थोड़ा सब्र कर लेते और थोड़ा अदब अखलाक का मुजाहरा करते तो शायद बात यहाँ तक नहीं जाती। और वो भाइयों के लिए भी बस यही अल्लाह से हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह, और क्या इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह हम कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर का मामला करे। हम तौहीद वाले लोग हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला दिलों को जोड़े तौहीद पर इंशाल्लाह। ठीक है, आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी एन भाई, तो आप कुछ वजाहत कर सकते क्या हुआ, क्या मसला वहां पर? एक्चुअली उस दिन ऐसा हुआ था, एक्चुअली मैं मस्जिद में तो ऊपर किराए थे भाई, सुने आ रहा? जी आ रही है आवाज, बोलिए। हाँ मैं यहाँ मस्जिद में किराए से रहता हूँ, तो मैं ड्यूटी कंप्लीट कर लेके मैं आ रहा था, मेरे मैं ऊपर चढ़ने के चढ़ रहा हूँ तो आवाज आ पुकारा चिल्ला सो हो रहा था, जो शम्स को ढकलम ढकली हो रही थी, तो मैं देखा, देखने के बाद में क्या हो रहा, हेलमेट वगैरह लगा लगा के देखा, ऑब्जर्व करा मैं, आखिर हो रहा क्या यहाँ, तो शम्स को ढकलना, शम्स भाई की वजह से ढकल रहे वो रजा भाई। तो फिर मैं गया जाके पूछा, शम्स भाई क्या हुआ? तो रजा भाई वहां से बोल रहे, तू कहीं को आया रे, तू कौन होता, फला फला बोले। तो मैं भी पलटा के बोला, भाई तू कौन है मैं बोलने वाला, तू पहले मस्जिद के बाहर जा, ये बात बोला मैं। और वहां पे जो ऐसा माहौल, अब अल्लाह के घर में ऐसा चिल्ला रहे पुकार रहे पुकार रहे, तो मैं भी पुकार दिया। अब उन्हें ये उनको ये समझ में नहीं आ रहा किसको क्या बात कर रहे, फला कर रहे, जो भी आया उनके सामने आखिर दिख रहे, किसी को कंसिडर नहीं कर रहे। और रही बात वहां पे रजा भाई ऐसी इतनी बड़ी बात बोलने के बाद भी उनको कोई ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरे को बोल रहे लोग तुम आते की शुरू हो गए तुम्हारा मालूम ना था लोग। हालांकि मैं आगे 10-15 सेकंड ऑब्जर्व करा मैं सब, तो सीनेरियो देख रहा हूँ क्या हो रहा है। फिर शम्स भाई को ढकलम ढकली हो रही, तो मैं जाके पूछा, शम्स भाई को पूछा मैं, रजा भाई को भी नहीं पूछा, शम्स भाई को पूछा भाई क्या हुआ। उन्होंने मेरे पे ऐसा बोलने के बाद मैं जो है बोल दिया। और रही बात ये चीजों में मेरा मेरा पर्सनली एक एडवाइस है कि ये चीजों में जरा तवज्जो देना। और रजा भाई का तो अभी नहीं, उन्होंने आए जब से हर महीने में हर हफ्ते में कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहता, मस्जिद में कुछ ना कुछ शरारत करते हम, ये ऐसा ये पस्ते बोल के ना कुछ ना कुछ करते, छोटी रोज मस्जिद की गेट के बाहर ठहर के तो कुछ ना आला फला बोलते, जिसको बोले शेख के बारे में हमेशा बोलते रहते। अब वो कमेटी वालों की जरा ये चीज पे जरा फोकस करना। माजरे चाहता हूँ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ भाई, ये रजा भाई वही है क्या? मतलब मैं, क्योंकि मैं यहाँ लास्ट टाइम रमजान में था और ये भाई शायद मेहदीपट्टनम की तरफ से आते, कुछ ऐसी ऐसी बड़ी वाली हैंडल वाली बाइक है भाई के पास, करेक्ट? क्योंकि मैं खुद भी इनका बिहेवियर मैं एक दो बार मैं खुद बल्ला मैं खुद नोटिस किया रोड पर, और मैं थोड़ा सरप्राइज होगा क्योंकि जिसके साथ इनका बर्ताव था वो हस्बैंड वाइफ थे, तो मतलब कोई गुनाह वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ गुस्सा या ऐसा कुछ नजारा था जो मैं खुद देखा था। और शायद ये भाई पार्किंग वगैरह के भी कुछ मसले करते, गेट के पास गेट के सामने लाके रख देते गाड़ी, डायरेक्ट गेट के सामने रख देते, कोई कुछ बोल दिए तो बस उनसे लड़ना शुरू कर देते। और ये मुरादनगर नूर मस्जिद है ना, मुरादनगर नूर मस्जिद, वहां पे भी उन्होंने ऐसी फितने कर रहे थे, तो वहां के नौजवान जवान हुए और उनको स्ट्रिक्टली वार्निंग करे, तो वहां से भाग करके यहाँ तमाशा करना शुरू कर दिया उन्होंने। अल्लाह उनको हिदायत दे। और एक जो है तो अपने मेरे को एक मतलब मैं जो फील कर रहा हूँ उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अपने यहाँ पे जो है तो लोग बस एक तरफा सुनते एक तरफा बात करते। मेरा एक एडवाइस है, अगर किसी किसके मुंह से सुन रहे आप उनका भी सुनो, और जिसके बारे में बोल रहे उनसे भी जाके पूछो, पहले डिसीजन लेने से और मुंह से कुछ अल्फाज बोलने से पहले दो पार्टी से जाके आप रब्ता करो, फिर रिसर्च करो भाई, जो मुंह खोल से जो आ रहा मुंह को बोल दे रहे। अब जैसे कि मैं हूँ मेरे बारे में बोल दे रहे, जैसे कि एलिगेशन लगा रहे, कोई आके मेरे को ये नहीं पूछा क्यों क्या फला, बस बोल दे रहे कि तुम ऐसा करे फला करे, मेरे कहा कि पूछो भाई, मेरे से पूछो, शेख से पूछो, शम्स भाई से पूछो, ये कोई नहीं कर रहा, बस वन साइड सुन रहा, मन बाहर जो बोलना है बोल दे रहे। और एक मेरे शेख के ताल्लुक से बोलना है भाई, कोई भी मस्जिद का कोई भी फर्द आके जैसे शेख से सवाल पूछ रहे, सवाल जवाब अगर नहीं मिल रहा
तो आप शेख शेख से कुछ शिकायत है तो शेख से बड़े जो उलमा है, बहुत सारे उलमा है, उनको लाओ और बात कराओ भाई। आपको कौन दिया हक आप पॉइंट आउट करने के लिए, बोलने के लिए फला फला? वो आलिम आपने जिंदगी पूरी गुजार दी इल्म हासिल करने के लिए, आप चार किताब चार अल्फाज क्या पढ़ लिए, कोई भी आलिम को उंगली बताना, ये कौन दिया आपको? जी जी सही है आयन भाई जी, आप जैसा बताएं कि मेन मेन ये मेरे मतलब ये जो भी सेशन वगैरह उसका मकसद यही है कि एक तरफा बात नहीं रहना। तो मैं पहले ये कह के जितने एलिगेशन है पहले उसको मैं सुन लिया, फिर ये सोचा कि ठीक है भाई जिस पर डायरेक्ट एलिगेशन है हम उनसे क्यों ना बात करें। तो ये होगा कि भाई ये एक एक इम्पार्शल व्यू जो रहती, आप लोग का जो भी सवाल थे माशाल्लाह और अल्लाह आपको खुश रखे, यही हम चाह रहे थे कि बस एक व्यू पहले सामने जाए। तो ये सब्जेक्ट पे जो है अयान भाई, अगर मैं इसको समराइज करता हूँ, अब्दुर्रहमान भाई एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं। अब उसके बाद जो है एक बड़ा इंसिडेंट हुआ जो कि मेरी ये एक चोटी है, ये चीज के लिए इतना बड़ा हादसा होना कहाँ कहीं मेरे को समझ में नहीं आया। बहुत बड़ा एकदम मस्जिद में जो गाली गिलोज, बड़ा हंगामा कर दी। तो मैं ये कमेटी वाले जो मस्जिद के जिम्मेदार है और उनके ऊपर जो भी मरकज के लोग हैं, इसके ऊपर थोड़ा सीरियसली इंक्वायरी करके सीरियसली कुछ डिसीजन ले, फैसला लेना। ये नहीं कि जो है सो नहीं हो गया होगा, चलो कर ली कर ली, ऐसा कुछ नहीं करना बोल के मेरा इंटेंशन है। जी जी देखिए एन भाई, मतलब ये हमारे सेशन का इंटेंशन तो ये है कि बात एक वाजे होना, दो तरफा बात वाजे होना, बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये बात आगे जाएगी इंशाल्लाह, और मजबूत तौर पर आगे जाएगी इंशाल्लाह। तो मैं जो समझा अयान भाई पूरी बात ये है कि आप नॉर्मली आए, देखिए आप कुछ आवाज़ वगैरह बढ़ रही थी तो आप भी उसमें गए, और मतलब आपकी इंटेंशन ये थी, नीयत ये थी कि भाई ठीक है बात को ख़त्म कर दें और जो भी है भाई उधर हट जाए, या शम्स इधर चले गए या वो रजा भाई उधर हट जाए। लेकिन ऐसा हुआ कि जैसा आपको देखा गया, हुआ ये कि बात डायरेक्ट आपके आ गई कि भाई तू यहाँ पर कहीं को आया, कुछ ऐसे मतलब गैर गलत अल्फाज, तो फिर लाजिम बात है वो तो एक इंसान को गुस्सा आने वाला है। तो फिर आप भी मतलब कुछ अरे तुरे पे बात आ गई तो वो पूरा कॉन्वर्जेशन कहीं और चले गया। तो ठीक है ये आप करें बात, जजाकल्ला है। और लेकिन अयान भाई आपके बारे में तो मैं बहुत एक क्लियर, मतलब मैं पहले भी कुछ भाइयों से बात किया आपके बारे में कि शेख मुआद अबी कुहाफा, अबू कुहाफा हाफिज़ुल्लाह का एक दर्स था हमारे मस्जिद में, आपको याद है तक़वा मस्जिद में अल्लाह के अस्मा व सिफात के उसूल पर कुछ दर्स दे रहे थे हम। तो आपको याद है मैं ऊपर आया था फर्स्ट फ्लोर पे और वल्लाह आप अकेले थे वो जो पूरा बोर्ड का काम कर रहे थे। तो ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, आप काफ़ी वक्त गुजारे वो अकेली चीज़ पर, मतलब वो उसको बोलते ना कि परफेक्शन का काम था वो, उसको आप एक सेकेंड छोड़ रहे थे तो वो बोर्ड ख़राब हो जा रहा था, तो पूरा आप निकाल कर बड़े रॉड वगैरह लेकर। तो आप मतलब ऐसा, मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे कोई शख्स नहीं है जो रात में सो के सुबह आके आप मस्जिद में बैठ के बोले कि मैं यहाँ का मेंबर हूँ, ऐसा नहीं है। जैसा कि पूरे भाई है हमारे शम्स भाई है, आप है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग मतलब काफ़ी वक्त से टाइम दे रहे, उसके बाद ये मसला हुआ। तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर हो सकता है कि ये कोई एक ऐसा बंदा है जो बस कल मस्जिद में दिखा तो हम शायद उससे क्लैरिफिकेशन नहीं लेंगे। तो ये क्लैरिफिकेशन जो आप दिए हैं भाई जजाकल्ला खैर, तो ये अभी तक तो ये स्टोरी पूरी क्लियर है माशाल्लाह, मतलब ये बहुत साफ नजर आ रहा कि ये उतना सीधा मसला नहीं है, उतना बिल्कुल सीधा नहीं है कि अगर ये छोटी मोटी बात होती तो छोटी मोटी बात खत्म हो जाती। और बिल्कुल मैं भी अगर कोई जरिया मुझे मिला तो मैं बिल्कुल हमारे अकाबिर जो है हमारे जमीयत के जो है मरकज के लोग हैं, मैं बिल्कुल उनसे भी पर्सनली कुछ कॉन्टैक्ट करने की मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा